आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, क्यों? तो देखो, जो अंड प्रजक होते हैं, ठीक है, अंड प्रजक मतलब जो इनमें भ्रूण बनता है, ठीक है, निषेचन के बाद जो इनमें भ्रूण बनता है, ठीक है, या जो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास वो कहाँ होता है? शरीर से बाहर, ठीक है, कहाँ पे शरीर से बाहर, ठीक है, जो भी इनमें भ्रूण का विकास होगा शरीर से बाहर होता है। और अंड प्रजक कौन से होते हैं जीव? उदाहरण के लिए जैसे कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि मेंढक, ठीक है, ये सब। तो इनका जो अंड मतलब जो इनमें भ्रूण बनता है वो शरीर से बाहर बनता है, तो जो बाहरी कारक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? बाहरी कारक, ठीक है, जैसे कि कोई जानवर हुआ या वह बाहर का वातावरण हुआ, ठीक है, ये बाहरी कारकों की वजह से क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, ठीक है। भ्रूण क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? संतान बन नहीं पाता है, या उनका जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला अंड प्रजक, और दूसरा है जो सजीव प्रजक होते हैं, ठीक है, जो सजीव प्रजक, ठीक है। तो इनमें जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है, ठीक है, भ्रूण, तो इनमें भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर, कहाँ पे? गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय के अंदर होने पर, ठीक है, जो गर्भाशय में वातावरण मिलता है, ठीक है, ये भ्रूण के अनुकार मतलब अनुकूल होता है, ऐसा कह सकते हैं, उपयुक्त होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये सजीव प्रजक होते हैं उनका भ्रूण नष्ट नहीं हो पाता है और संतान का जीवन काल भी, ठीक है, बना रहता है या ज्यादा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। या जो माता के शरीर द्वारा इनका देख रेख होता है उसकी वजह से इनका जीवन काल अंड प्रजक की अपेक्षा ज्यादा होता है। अब अंड प्रजक में क्या है, एक बार अंडा बाहर माता ने दे दिया, उसके बाद वो, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन यहाँ पे है इनका बढ़िया से देख रेख होता है। तो इसीलिए जो सजीव प्रजक है उनका जो विकास, भ्रूणीय विकास होता है, या कह सकते जो भ्रूण का विकास होता है, उसका जो संतान बनता है, उनका जीवन काल अंड प्रजक से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बाहरी कारक होते हैं, ठीक है, बाहरी कारक खराब करने के लिए वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? अनुपस्थित। और इनकी उदाहरण की बात करें, ठीक है, उदाहरण में कौन से आएंगे? जैसे कि मानव, ठीक है, मानव में गर्भाशय के अंदर होता है भ्रूण का विकास। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।